सबका एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स पे। मैं हूं मंतुष। बात करते हैं आज हम इस वीडियो की। तो ये वीडियो है टेस्टर के ऊपर। आपने नॉर्मल टेस्टर देखे होंगे मगर ये टेस्टर बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। तो आज हम बात करेंगे इस टेस्टर के। ये जो टेस्टर है ये वायर्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम इस टेस्टर को। तो मैं बात करता हूँ आज इस वीडियो की, पूरी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, मेरे फ्रेंड ने की है जिनका नाम है सुमित सक्सेना। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और उस चैनल का नाम है सक्सेस बाई चॉइस। एक बार ज़रूर जाइए उस चैनल को देखिए, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। बहुत सी ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपने नहीं देखी होंगी। तो सक्सेस बाई चॉइस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जरूर चेक करना। और हाँ, बात करते हैं हम इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मैंने पहले ही बताया कि आधी रिकॉर्डिंग मैंने की और आधी हमारे फ्रेंड ने, क्योंकि उनको नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को थोड़ा सा कम है। बाकी कैमरे का तो है, वायरिंग का है, जो नेटवर्किंग से जुड़ा है तो वो चीज़ के बारे में वो बताएंगे। तो ठीक है, देखते हैं इस वीडियो को, शुरू करते हैं आज की हम वीडियो। बात करते हैं हम आज इस वीडियो की। तो आज ये वीडियो है टेस्टर के ऊपर, पूरी वीडियो टेस्टर के ऊपर है। तो क्या करते हैं, हमारे पास जो लाइट का काम करते हैं उसके लिए हमारे पास टेस्टर होता है फेस को चेक करने के लिए। मगर जो हम कैट 6 वायर डालते हैं, जिस एक वायर के अंदर जो 8 पेयर होते हैं यानी कि 8 वायर्स होती हैं, उनको हम किस तरीके से चेक करें, चेक करने का क्या तरीका है, कौन सा टूल है, तो आज हम बात करेंगे उसी टूल के बारे में। तो देख सकते हो हम क्या करते हैं, जब भी हम कैमरे की वायर डालते हैं, कैमरे दो तरीके से लगते हैं, एक NBR और DBR। तो जो हम NBR सिस्टम के लिए जो वायर डालते हैं वो होती है कैट 6 वायर। उन वायर्स को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइन टेस्टर, जिसको बोलते हैं लाइन टेस्टर। और वो कैसा होता है, किस तरीके से चेक करते हैं, आगे हम आपको वो भी बताएंगे। और एक चीज़ और भी दिखाएंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारा नेट की वायर होती है, नेट की वायर में कलर कोडिंग होता है, RJ45 कनेक्टर जो लगाते हैं नेटवर्किंग में, तो उसमें क्या कलर कोडिंग होती है और जो कैमरे की कलर कोडिंग क्या होती है, आप इस चीज़ को भी सीखोगे किस तरीके से RJ45 कनेक्टर में हम कनेक्टर को लगाते हैं, वायर्स में कैट 6 वायर में कनेक्टर को लगाते हैं। यानी कि बहुत कुछ है इस वीडियो को, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स का चैनल सक्सेस बाई चॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, बहुत कुछ है इस वीडियो में। और जो हम कैमरे की जो वायर छोड़ते हैं, अगर हमारी कोई भी वायर्स कट है, यानी कि एक वायर्स के दो सिरे होते हैं, उनमें से बीच में से कोई वायर कट है 8 पेयर में से, तो कैसे पता करेंगे, वही टेस्टर के ऊपर पूरी ये वीडियो है। और भी टूल्स मैं आपके लिए जो ये किट लेकर के आया हूँ, यह है 9-in-1 नेटवर्क टूल सेट। 9-in-1 यानी कि 9 तरीके के टूल्स इसके अंदर हैं और ये उसका कंप्लीट सेट है। तो दोस्तों, 1 by 1 हम एक एक चीज़ के बारे में इसमें बात करेंगे और आपको इसकी डिटेल्स में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बैग है इसका, जिस बैग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इस बैग की भी अगर हम बात करें तो ये 5 cm साइज है, ये 18 cm है और ये 27 cm इसका डायमेंशन है। इसकी सबसे पहले हम जब बैग देखते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि भाई उसका कपड़ा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, रफनेस तो नहीं है। तो ये जो क्वालिटी है मुझे बहुत बेहतरीन लगी, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसकी चैन बहुत अच्छी और स्मूथ साइज की, इसकी स्मूथ चलने वाली चैन है, तो मुझे क्वालिटी के मामले में बहुत बढ़िया लगा। अब बात करते हैं अंदर का मटेरियल, जिसके लिए हमने इसका ऑर्डर किया है। तो इसमें जो बहुत सारे टूल्स हैं, पहला टूल्स है क्रिम्पिंग टूल, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नेटवर्किंग में। जब आप अभी किसी कैफे का सेटअप लगा रहे हो या फिर आप घर की नेटवर्किंग कर रहे हो, तो आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम दो टूल्स के लिए मेन यूज करते हैं, दो कनेक्टर्स के लिए। पहले कनेक्टर है RJ45 जो नेटवर्किंग में यूज होता है, वो यहाँ सेंटर वाला है। इसके अलावा जो दूसरा कनेक्टर होता है वो कनेक्टर होता है जो टेलीफोन में कनेक्टर लगा होता है छोटे साइज वाला, वो हम यहाँ से क्रिम करते हैं। इसमें 4 पिन्स होती हैं, इसमें 8 पिन्स होती हैं, RJ11 और RJ45। बस 11 और 45 याद रखना, बाकी RJ दोनों के आगे लगता है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। इसकी जो ग्रिप है बहुत अच्छी है, इसी तरीके का एक सस्ती क्वालिटी का भी आता है, इसकी बिल्कुल जस्ट कॉपी जैसा लगता है। कलर इसका थोड़ा फेड होगा, मेरे पास पुराना था, वो मैंने फेंक दिया एक महीना यूज़ करने के बाद। इसमें ये जो है इसके कटर का, ये ब्लेड वायर को काटने के लिए, मैं आपको वायर काट करके और एक RJ45 कनेक्टर बना करके अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये वायर है, ठीक है, इसको हम इससे काटेंगे। ये वायर को मैंने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, वायर बिल्कुल सीधी हो गई। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ गोल गोल सा छेद है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है।
ये गोल इसलिए ताकि वायर इसके अंदर आ जाए, आपको जितनी भी वायर यहाँ रखनी है ठीक है, और ब्लेड आपका इसका सेंटर में होता है, जितनी वायर रखनी है आप उसको हल्का सा दबाइए और उसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने से क्या होगा कि इस केबल का ऊपर का जो कवर है वो कट हो जाएगा, अंदर की वायर कट नहीं होगी। इसके अंदर 8 वायर होती हैं, इसे कैट 6 केबल कहते हैं, कैट 5 कैट 6 केबल इसको कहा जाता है, ये कैट 6 है ठीक है। अब इसमें दोनों दो दो वायरों के पेयर होते हैं, ऑरेंज का पेयर है, ग्रीन का पेयर है, ब्राउन का पेयर है और ब्लू का पेयर है। स्टैंडर्ड कलर कोडिंग के हिसाब से अब हम इसको कलर कोड के हिसाब से इसका वो बनाएंगे, RJ45 कनेक्टर को पंच करेंगे ठीक है। तो आप देखते रहिए, सबसे पहले जो बीच वाली एक्स्ट्रा है ये इसको काट दीजिए ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले ऑरेंज वाइट को लेते हैं, ऑरेंज वाइट यानी कि ऑरेंज और वाइट पट्टी के साथ का जो कॉम्बिनेशन है ऑरेंज वाइट, उसके बाद ऑरेंज वाइट ऑरेंज के बाद ऑरेंज आ गया, फिर उसके बाद ग्रीन वाइट, हम ग्रीन वाइट को लेंगे जिसमें ग्रीन और वाइट दोनों हैं, तो ये ग्रीन वाइट ले लिया हमने। अब उसके बाद ब्लू, ये मैं आपको सिस्को के स्टैंडर्ड कलर कोड के बता रहा हूँ, सिस्को जो है वो नेटवर्किंग की अकेडमी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होता है। तो ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट, उसके बाद अगेन ग्रीन एंड देन ब्राउन वाइट ब्राउन, फिर इसके बाद ये आ गया ब्राउन वाइट ब्राउन। दोस्तों मैं आपको एक चीज में बताऊं कि जो लास्ट में ब्राउन वाइट ब्राउन है ये वायर डेटा ट्रांसफर के लिए यूज नहीं होती है, ये दो वायर जो है ब्राउन वाइट ब्राउन ये आपकी तब इस्तेमाल होती है नेटवर्किंग में जब पावर जो होती है वो इन इसके थ्रू फ्लो की जाती है। जैसे कोई स्विच पे आपको सप्लाई देनी है डीसी की तो इसके थ्रू जाएगी, एसी नहीं डीसी, अगर डीसी देनी है तो इन दो वायरों के थ्रू ट्रैवल करती है। अगर आप पूरे पंच में इन दोनों को ना भी पंच करें तो भी आपका कनेक्टर काम करेगा ठीक है। तो इसको आगे पंच हम लोग बनाते हैं। तो वायरों को मैंने सीधा सीधा कर लिया है और फाइनल इसको पंच करने से पहले हम इसके कलर कोड का ध्यान दे देंगे कि हमने सही कराया नहीं कराया, क्योंकि एक बार अगर आपने स्टेपल कर दिया इसको, इसको क्रिम कर दिया अगर, तो फिर ये अलग नहीं होते, फिर आपका करेक्टर खराब हो जाता है। तो सबसे पहला कोड क्या है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू। अब देखिए यहाँ गलत हो गया, ग्रीन वाइट ब्लू होना था, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, और ये आएगा पहले ग्रीन वाइट ब्लू, उसके बाद ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन। अब ये कोड सही हो गया। तो कहीं भी त्रुटि होगी, कहीं भी गलती होगी, अगर इसमें मिस्टेक कर रहे हैं आप तो यहाँ पता चल जाएगा, फाइनल एक चेकअप कर लेना चाहिए। अब ये देखिए इसमें हमने को कनेक्टर मिलते हैं इतने, तो इन कनेक्टर को निकाल के हम एक कनेक्टर निकालते हैं। ओके ये RJ45 कनेक्टर है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये RJ45 कनेक्टर है। तो इसको ये नहीं कि आपने ऐसे करके लगा दिया, इसको पहले बराबर होना चाहिए। तो बराबर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको काटेंगे। ये यहाँ पे कटर है, इसमें कटर स्टीपर दोनों होते हैं, हम इस टाइम इसमें कटर को यूज कर रहे हैं। अब मैंने इसको इक्वली, आप देखिए इक्वली मैंने रखा और काट दिया, इक्वली मतलब एक बराबर हमको रखना है, सीधा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब मुझे हल्का सा टेढ़ा लग रहा है इस साइड में, तो मैं क्या करूँगा दोबारा से रखूँगा और उसको जब तक सीधा ना हो बिल्कुल, देखिए अब ये सीधा हो गया। क्रिम्पिंग करते वक्त ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर होने चाहिए और कोडिंग इधर से स्टार्ट होती है ठीक है, इस तरफ से, इस तरफ से। तो ये ऑरेंज इस साइड रहेगा और लगाने के बाद इसको मैंने हल्के से अंदर धक्का दिया और ये अंदर चला गया। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको ऐसे इसके अंदर डाल दिया है। अब डालने के बाद अब हमारे इसका इस्तेमाल होगा जो मेन है। अब यहाँ पे बीच वाले में मैंने इसको ऐसे डाला और डालने के बाद इसको दबा लेते हैं अंदर को ताकि निकल ना जाए। फिर एक उंगली मैंने यहाँ रखी और इसको यूँ करके दबा लिया, एक बार हल्की सी कट करके आवाज़ आती है और ये पंच हो जाता है। अब उसके बाद अब देख लेते हैं, देखिए ये कोर, ये आपकी वायर एक तरफ से तैयार हो गई है। तो इस तरीके से ये वायर तैयार हो जाती है और RJ45 कनेक्टर का हम इस्तेमाल यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। अब दोस्तों ये आ गया आपका अगला जो टूल है, इसमें ये 2x स्ट्रिपिंग नाइफ है। स्ट्रिपिंग नाइफ मतलब इस ये चाकू बोल सकते हैं इसको, स्ट्रिपिंग नाइफ है ये। इसे आप इसमें तीन ब्लेडों का इस्तेमाल हुआ है और ये तीनों ब्लेड जो है फुल्ली एडजस्टेबल हैं, रिप्लेस कर सकते हैं आप इसको जब ये ख़राब हो जाए। तो ये वायर को स्ट्रिपिंग करने के यानी कि छीलने के और काटने दोनों के काम आता है ये ठीक है। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक और आपको दिखाई देगा ये वाला टूल, ये जो टूल है इसको आप बोलते हैं पीलिंग राउंड वायर ठीक है। इसमें UTP और HTP वायर को आप छील सकते हैं और काट सकते हैं ठीक है।
3 mm टू 5 mm के साइज है, इससे आप इसको वो कर सकते हैं, छील सकते हैं। अब इसके बाद एक और जो टूल आता है, आपको ये आपने देखा होगा अक्सर टेलीफोन लाइन वायर, जो आपके टेलीफोन रिपेयर करने आते हैं जो लोग, उनके पास आपने इस तरीके का टूल देखा होगा जो टेलीफोन की वायर को रिपेयर करा करते थे। अब ये नेटवर्किंग में भी ये यूज होता है, जो हमारा पैच पैनल लगता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको बोलते क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं नेटवर्क पंच डाउन इम्पैक्ट टूल, नेटवर्क पंच डाउन इम्पैक्ट टूल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे ये दो, एक ये आपको वायर निकालने के लिए इधर से, और ये वाला इस तरीके से काटने के लिए, ये इसमें अलग होते हैं। बाकी ये उनका जो सॉकेट सर्किट होता है उसमें यूं करके दबाते हैं, ऐसे खट करके आवाज़ करता है और तार कट, एक्स्ट्रा तार कट जाती है और बाकी तार माउंट हो जाती है उसके अंदर। इसको रख देते हैं फिलहाल। अब आता है RJ45 कनेक्टर, ये आपने देख ही लिए, ठीक है। और लास्ट टूल है इसमें, ये बहुत ही बढ़िया टूल है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसको बोलते हैं वायर टेस्टिंग केबल टेस्टिंग मीटर। इसको में क्या है, इसको बोला जाता है मास्टर और यह है इसका रिमोट, ये इस तरीके से अलग हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसमें बैटरी यहाँ पे डलती है, इस तरीके से बैटरी डली हुई होती है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लगा दिया और आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पे RJ11 और RJ45 दोनों के लिए ही इसके अंदर यहाँ पर सॉकेट दिए हुए हैं, RJ11 और RJ45। अगर मैं इसको यूँ पलटूँ तो यहाँ पे लिखा भी है RJ45 और RJ11। 8 वायर होती हैं RJ45 में, तो यहाँ पे 8 कनेक्शन दे रखे हैं। इसके अलावा G1 ग्राउंड का दिया हुआ है, वो हम सिर्फ 8 तक देखेंगे, ओके। अब हम इसको चेक करते हैं। मेरे पास एक केबल है जो कि रेडीमेड केबल आती है बनी हुई, मैंने वाली केबल है, इसको हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तरफ रिमोट में हम इसको डाल देंगे, ये RJ45 का, इसलिए RJ11 है RJ45। अब इसमें भी ये RJ45 है, इसको RJ45 में हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब वायर हमारी ये चेक हो रही है, कैसे चेक होगी, यहाँ से हम करेंगे ऑन। अब देखिए 1 पे 1 जल रही है, 2 पे 2 जल रही है इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 जी है नहीं, ठीक है। तो यानी कि सारी वायरें मेरी ठीक हैं। बट क्या होता अगर कोई केबल ख़राब होती, तो होता क्या कि यहाँ पे ऐसे 2 मान लेते हैं ख़राब है, तो जो 2 वाली है, मैंने ये लाइट बंद कर दी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 है ये और यहाँ पे 2 जल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई वायर ब्रेक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके सामने वाली इसको आप यूं करके ऐसे फंसा भी सकते हैं, केबल टेस्टर बोलते हैं इसको। मार्केट में बहुत सारे केबल टेस्टर अवेलेबल हैं, 10-10-20-20 हज़ार रुपये तक हैं, बट बेसिक जो टूल जो काम होता है वो इससे आपका पता चल जाता है। मार्केट में ऐसे भी केबल टेस्टर हैं जो आपको केबल की लंबाई भी बताते हैं, बट उनकी स्टार्टिंग ही 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से होती है, बहुत महंगे महंगे टूल्स आते हैं। ये एक 2100-2200 रुपये में पूरी टूल किट ये लोग दे रहे हैं, जो ये कंपनी दे रही है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप वहां पे इसको ले सकते हैं। अगर आप CCTV का काम स्टार्ट करना चाहते हैं या आप करते हैं, तो उसके लिए जो आपको टूल किट चाहिए होती है, उसके लिए ये परफेक्ट टूल किट है एकदम। क्योंकि CCTV में RJ45 कनेक्टर और कॉक्सल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉक्सल केबल के लिए यहाँ पे ये दो टूल्स हो गए। और अगर कॉक्सल केबल यूज नहीं कर रहे हैं, RJ45 यानी कि CAT685 केबल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्रिम्पिंग टूल, RJ45 कनेक्टर और लैंड टेस्टर, इन 3 चीज़ों से आपका काम चल जाएगा। बाकी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत आपको पड़ती है, और अगर आपके साथ में आपको ये वाला टूल भी मिल जाए जिससे आप पैच कर सकें वायर को, तो और भी अच्छा है। तो ये जो आपका CCTV के काम के लिए, नेटवर्किंग के काम के टूल्स हैं दोस्तों, ये आपके पास होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप काम कैसे करोगे दोस्तों। CCTV कैमरे और नेटवर्किंग का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेजों में, कंपनीज में, हर जगह नेटवर्किंग होती है, क्योंकि आजकल नेटवर्किंग का ही जमाना है। क्योंकि हर प्रिंटर के साथ, हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कौन कनेक्ट करना चाहेगा, तो वो लोग लैन शेयरिंग करते हैं और उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिक टूल्स हैं दोस्तों, इनको खरीदिए और अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। मुझे ठीक लगा, ठीक है, आप ऑर्डर कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों देखिए, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं तो आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं, ठीक है।
जो मित्र हमारे सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो वो शायद बेल आइकन पर क्लिक करना भूल जाते हैं, तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिए, जैसे फेसबुक का लाइक करते हैं आप, ठीक है। और एक मैसेज है, हमारी आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप अपने अंदाज़े से बताइए। ये जो अगली वीडियो आएगी ये आपको इतना मतलब इंटरटेन भी करेगी, नॉलेज भी देगी और उसमें क्विज भी होगा, और जो सही जवाब देगा उसका नाम हम और उसका फोटो अगली वीडियो में हम बिल्कुल पब्लिक को दिखाएंगे और बताएंगे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और जो आपके मित्र हैं वो भी इस चीज़ों के बारे में जान पाएँ। धन्यवाद।